अब हम लोग कौन सा चैप्टर सीखने जा रहे हैं? एक और चैप्टर हो जाएगा, बड़ा ही छोटा चैप्टर सर। जब सर पे कोई टेंशन हो ना या कोई प्रॉब्लम हो तो अपने आप को क्या रखना चाहिए सर? बिजी रखना चाहिए। इसलिए मैं भी आज सुबह से अपने आप को क्या रखा हूँ कि मेरे दिमाग में बार बार, अब मुझे न जाने ऐसा लग रहा है झटका ना कि ये सपना था, सपना ऐसा लग रहा है फिर से मैच होगा। ये तो ऐसे एक गेम है सर, गेम को गेम स्पिरिट से खेलना चाहिए। हालांकि हमें एक मैच हार गए उस पर फोकस ना करके, ये लोग इतने सारे के सारे मैच जीते उस पर फोकस करना चाहिए। सिवाय ये सब करने, कल एक मतलब कोई स्टेटस आज लगाया था, मेरे को इतना गुस्सा लगा कि मैं सोचा कॉल करके चिल्ला दूं मैं उसको। लगाया था कि बाप बाप होता है, ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर जा रहे हैं और लिखा था उस पर बाप बाप होता था। ऐसे गद्दार पड़े हमारे देश में। पटाखा भी कल कुछ बजा रहे थे, मुझे तो गुस्सा रहा था कौन बजा रहा है ये पटाखा हारने पे। नहीं आप ही नहीं, बहुत लोग लेके आए थे दिवाली के, बहुत लोग पटाखा बचा के भी रखे तो पटाखा बजाए लेकिन अरे बहुत पटाखा बजता होता, सब उसी का इंतजार था। इंडोर स्टेडियम में क्या नाम है पूरी मैच चल रही थी। गए थे तुम लोग? मैं भी फोन पे ही देखा, फोन में जो मैक्स व्यू रहता है ना वो बड़ा सबसे परफेक्ट रहता है। हॉटस्टार पे मैक्स व्यू, एक सिंगल पे ऊपर कुछ रिप्ले चल रहा है, नीचे लाइव चल रहा है, देखो। चलिए सीख रहे हैं POS, POS दैट इज द पॉइंट ऑफ सेल। मैं तो मेरे को लगा कि आज सुबह बच्चे आएंगे नहीं, लेकिन सुबह आज मेरे सब बच्चे आए थे। बोला तुम लोग, और इसके पहले आए ही नहीं थे, छुट्टी अभी तक मना रहे थे, आज भर के बच्चे पूरे आए थे क्लास में। बोला तुम लोग यही कसम खाए थे क्या कि हारेगी इंडिया तभी क्लास आएंगे? कल तो बड़ा सुनहरा था लेकिन क्या ऐसा हो गया। वो लोग भी डरे हुए थे कि अरे इंडिया इस बार बड़ा अच्छा परफॉर्म, वहाँ के पैट कम ही चले, बॉलर हाँ। सबसे पहले ये बोला था कि मैं सबसे पहले पब्लिक को शांत करूंगा, हाँ सच में कर भी करते। वो तो क्या किया, तो विकेट लिया ठीक है, लेकिन जो मेन काम तो हेड किया ना, पूरा राक्षस है, राक्षस की तरह खेला। नहीं बीच में स्लो खेला, जब देखा कि हाँ काम हो गया है तब देखो फिर टकाटक देना चालू किया। ये लोग ना इसको जो लगा दिए ना स्पिनर को, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ था। हाँ अरे पूरा होता है, इंडिया का प्रेडिक्टर बढ़ गया था। मेरे लगा कि बस जैसे हर मैच में बॉलर कमाल करता है इसमें भी कमाल करता है। नहीं सिराज नहीं, मोहम्मद शमी और शमी और वो ऐसा लग रहा था कि ये दो लोग, जबकि शमी हर बार लेता है, शमी का पहला वही तो गड़बड़ कर दिया ना विराट कोहली की, वो फेंका था बॉल। नहीं नहीं ये फेंका था बुमराह का, लेकिन एक पहला विकेट छोड़ दिया था वो कैच, पहली बॉल पे विराट को छोड़ा था, अलग लेवल प्रेशर था। हालांकि फिर दूसरी बार कवर किया उसे, दो विकेट गया तीन विकेट गया तो ऐसा लगा कि इंडिया अब जीत जाएगा, मतलब करामात चालू है। उसके बाद ये लोग ऐसा हैंडसअप हो गए कि जैसे केएल राहुल के हाथ से ऐसा बॉल छूट रहा है जैसे वो गली का, बहुत मुश्किल ना मिस करके पूरा गेम को मारे। तो
चलिए क्या सीखेंगे सर? POS, पहले चैप्टर का थीम समझते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। सर ये क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल? इस चैप्टर का यूज क्या करना है? जहां पे मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन हमें चाहिए, या हमारा कस्टमर जहां मल्टीपल टेक्निक से पेमेंट करता है, मतलब कैश के थ्रू भी, चेक के थ्रू भी, कार्ड के थ्रू भी, गिफ्ट वाउचर्स के थ्रू भी डिस्काउंट ले रहा है, वहां पे हमें क्या चाहिए? POS। जितने भी सुपरमार्केट होते हैं वहां पे नॉर्मली कौन सा मेथड अडॉप्ट होता है? POS, पॉइंट ऑफ सेल्स। इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। सर पॉइंट ऑफ सेल्स कहने का मतलब, पॉइंट ऑफ सेल्स मीन्स अ प्लेस वेयर बिलिंग इज टू बी डन। जैसे सुपरमार्केट में क्या होता है, आप ट्रॉली सामान पूरा घूमते हो, लेकिन बिलिंग जहां कराते हो दैट प्लेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल। जैसे हम लोग को शॉपिंग करना होता है डीमार्ट पे, हम लोग दो ट्रॉली रखते हैं, एक हम लोग अपने लिए रियल वाली जिसकी बिलिंग करानी है, और एक आरू के लिए जिसपे बिलिंग, अब वो हमें डिस्टर्ब ना करे इसलिए उसको एक ट्रॉली दे देते हैं, वो एकदम जी भर के सारा सामान उसमें, स्टेशनरी का, खिलौने, टॉयस, नहीं वो ट्रॉली वहां तक जाती है बिलिंग तक, लेकिन उसमें से उसको एक कंडीशन दे देता है कि एक सामान इसमें से मिलेगा जिस ट्रॉली में जितने भी तुमने भरा है, और उसको एक सामान मिलता है, एक सामान को लेके जाता है। तो सर आप पूरा सुपर मार्केट घूमने से मतलब बिलिंग थोड़ी ना करा ली आपने, या सेल थोड़ी ना हो गया। सेल कब होगा? जब आप उसकी बिलिंग कराएंगे, तो उस प्लेस को जहां पे बिलिंग होता है उस प्लेस को बोलते हैं POS। क्या बोलते हैं? POS, पॉइंट ऑफ सेल्स। राइट, सुपर मार्केट वगैरह POS मेथड से बिलिंग करते हैं सर। तो इस पे सीखेंगे कैसे POS वाउचर क्रिएट किया जाता है, एंटरिंग POS transactions इन सिंगल एंड मल्टीपल पेमेंट मोड। कई बार कस्टमर सिंगल मोड अडॉप्ट करते हैं और कई बार कस्टमर मल्टीपल करते हैं। सिंगल करने का मतलब केवल कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, दैट इज कॉल्ड सिंगल। मल्टीपल मतलब कुछ कैश ले लीजिए, कुछ कार्ड के थ्रू, दैट इज प्रिंटिंग ऑन POS प्रिंटर्स। तब प्रिंट कैसे लेंगे और POS का रजिस्टर, जैसे परचेज की एंट्री परचेज रजिस्टर में आ जाती है, उस तरीके से POS एक अलग वाउचर टाइप बनाएंगे तो उसकी सारी एंट्री किस में आ जाएगी? POS रजिस्टर। यहाँ प्रोजेक्ट है, क्या है? अपना बाजार इज अ लीडिंग शॉपिंग सेंटर। ठीक है, अपना बाजार, गुड्स कैन बी परचेज बाई पेइंग कैश और चेक और बाई स्वीपिंग क्रेडिट कार्ड। सॉफ्ट स्किल एकेडमी इशू डिस्काउंट कूपन टू इट्स स्टूडेंट ऑन एडमिशन। यूजिंग दिस कूपन अ स्टूडेंट गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन द शॉपिंग एट अ सर ये क्या क्या होगा? इस एकेडमी ने यहाँ पे जाके टाई अप कर लिया है अपना बाजार से, है ना? ये बोला कि भाई हमारे एडमिशन लेगा तो हम आपका कूपन देंगे, आप कूपन हमारे बच्चे दिखेंगे तो आप उसको डिस्काउंट दे देना, उतना पैसा मैं अपने जेब से आपको पे करूंगा। क्लियर है? क्या लिखा? द डिस्काउंट गिवन इज द रिकवर्ड फ्रॉम द सॉफ्ट स्किल एकेडमी। यहाँ कंपनी बना लीजिए अपना बाजार, इट्स ओके। सर यहाँ कुछ करना है क्या फीचर्स में? आंसर इज नो। ओके सर, ये लेजर्स ऑलरेडी आप लोग जानते हो, परचेज, विनीत होलसेल, सेल्स, भास्कर सेल्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सॉफ्ट स्किल एकेडमी। बस ध्यान रखिएगा सॉफ्ट स्किल एकेडमी किस में बना दिए सर हमने? संडी, क्योंकि इससे पैसा डिस्काउंट वाला इससे लेना। यूनिट वगैरह बना लिया, नंबर्स वगैरह, स्टॉक आइटम जिसमें आप डील कर रहे हो। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है? कॉन्फ़िगरेशन सेट, सो मोर कॉन्फ़िगरेशन, यस, एंड सेट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम टू, यस सर, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन को यस कर देंगे, जिससे क्या होगा आपका ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन एक ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे ओलिव ऑयल, प्राइमरी, अंडर प्राइमरी एंड
ये क्या हो रहा है सर, सेट स्टैंडर्ड रेट। सर इसको यस करने से क्या होगा, आप बाइंग रेट और सेलिंग रेट क्या कर सकते हैं, मेंशन करेंगे। सर उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे ये बेनिफिट होगा जैसे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे है ना, वैसे रेट ऑटोमेटिकली लिख देगा। यहाँ पे देखो सेट कर रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड रेट है ना, ये बाइंग रेट है सर, और ये क्या है स्टैंडर्ड, ये रेट की जगह पे लिख देना स्टैंडर्ड बाइंग रेट, इसको क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड बाइंग रेट और स्टैंडर्ड सेलिंग रेट। तो सर क्या होगा, जैसे ही आप इसको 100 ml परचेज की एंट्री करोगे तो रेट ऑटोमेटिकली ये पिक हो जाएगा, और जैसे सेल की एंट्री करोगे तो रेट क्या पकड़ लेगा 60 राइट। तो हम इसको सर यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट को यस करके ये चीजें फीड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बाइंग रेट और स्टैंडर्ड सेलिंग अब सर क्या करेंगे इसके लिए, वाउचर टाइप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाउचर टाइप्स। कोई भी वाउचर्स क्रिएट करने के लिए क्रिएट एंड वाउचर टाइप्स नाम डाल दीजिए, जैसे हमने सेल POS डाल दिया, किसके अंदर में सर ये नाम डालने से हो जाएगा क्या, आंसर इज नो। वहां पे एक ऑप्शन आएगा यूज फॉर POS इनवाइसिंग, यस करना होगा। तो टैली ओपन होगा तो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ का मैडम टैली ओपन किया है, अब यहां क्या करेंगे सर, क्रिएट वाउचर टाइप्स, यहां लिख लेंगे POS, POS सेल्स लिखना है, सेल्स लिख लीजिए राइट। सर किसके अंडर में, सेल्स वाउचर, यस सर कर लिया। एंड एब्रीवेशन अगर आपके ऊपर है कुछ भी नाम डाल दीजिए, एब्रीवेशन यहां पे यूज फॉर POS इनवाइसिंग क्या करना है, यस yes. पायल की आवाज से मंजुलिका के प्रयाग नहीं आ गई ठीक। और ये क्या है सर, जैसे बहुत बार आप देखते हो जैसे ही वो सेव करते हैं सेल बिल ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है, तो वहां पे ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग यस। तो जैसे एंटर करके एक्सेप्ट करोगे तुरंत प्रिंट का स्क्रीन ओपन हो गया। यहां हम यूज, यहाँ पे यूज फॉर POS इनवॉइसिंग को यस करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि सर बहुत से इनवाइसिंग के नीचे देखो लिखा रहता है विजिट अगेन, वेलकम यू, थैंक्स फॉर शॉपिंग, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। यस जितना भी लिखना है लिख लो। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट मतलब आप बिल के ऊपर क्या लिखना चाहते हो, तो बहुत लोग टैक्स इनवाइस लिखते हैं, बहुत लोग इनवाइस लिखते हैं, बहुत लोग सेल्स इनवाइस लिखते हैं, तो जो भी आप लिखना चाहिए लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए। मैं लिख रहा हूँ इनवॉइस। डिक्लेरेशन वगैरह कुछ नीचे बिल के अंदर मैंने डिक्लेरेशन लिखना है कि एक बार गुड्स बिक गया तो वापस नहीं होगा, वट एवर जो भी बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अब देखो हम लोग कहाँ जाएंगे सर इसकी एंट्री करनी, वाउचर्स पे, सेल्स पे जाएंगे POS ओपन करने के लिए, क्योंकि सेल्स के अंदर बनाए हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। यहाँ पे आप देखिए सर, यहाँ पेमेंट के कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, कैश, मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। और आपको केवल सिंगल करना है केवल कैश के थ्रू, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे सिंगल पेमेंट मोड, तो क्या आ जाएगा सर,
मल्टीपल चाहिए आपको, मल्टीपल मोड पेमेंट पे। अब जो भी चीज आप सेल करोगे, पार्टी नेम, अच्छा यहां ध्यान रखिएगा, पार्टी नेम कैश में भी बंदा खरीदा तो भी पार्टी का नाम डालना कंपलसरी, पार्टी नाम डालेंगे। मान लो पार्टी का नाम राकेश है, कौन सा कस्टमर, सेल्स लेजर में क्या करना पड़ेगा सर, क्रिएट करना पड़ेगा ऑल सेल्स, यहाँ अगर स्टॉक आइटम का नाम हो कुछ बनाना पड़ेगा, ऑल सी करके बना लीजिए, ऑलिव ऑयल, बॉटल्स, वन बॉटल मान लो वन, अब ये 190 रेट गिफ्ट वाउचर, अगर मान लो सामने वाले ने कोई गिफ्ट वाउचर दे दिया तो गिफ्ट वाउचर्स को क्या नाम था उसका, और सी करके कौन सी एकेडमी थी, सॉफ्ट एकेडमी, ध्यान रखिएगा कि सर गिफ्ट वाउचर अगर हम खुद दे रहे हैं तब तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन अगर ये पैसा हमें किसी और से मिलेगा तो संडी रिटर्न किसमें आएगा, गिफ्ट वाउचर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, हमारा हम खुद दे रहे हैं गिफ्ट वाउचर तो हमारे लिए क्या है सर, खर्चे हैं, लेकिन ये पैसा किसी अगले बंदे का गिफ्ट वाउचर लेके आ रहा है जिसका पैसा हमें वो बंदा देगा तो वो हमारे लिए क्या है, सन्ड्री डेटर्स, क्या है, सन्ड्री डेटर्स, मान लो उसने 190 रुपए में 10 रुपए का वाउचर गिफ्ट वाउचर ले आया, क्रेडिट डेबिट कार्ड, हाँ और सीखते बैंक बनाना पड़ेगा सर, SBI बैंक अकाउंट, मान लो 100 रुपए उसने क्रेडिट डेबिट कार्ड SBI का, मतलब SBI बैंक का में आएगा हमारे बैंक अकाउंट में, कार्ड नंबर कुछ भी लिख दिया सर जो भी उसका कार्ड नंबर रहेगा, फिर चेक SBI बैंक में आ रहा है ना, कितना मान लो 50 रुपए का चेक दे दिया उसने बैंक ने, मतलब किस बैंक का चेक दिया उसने, मान लो उसने चेक दिया किस बैंक का, ICICI, यहाँ पे ये हमारा बैंक अकाउंट है, यहाँ पे सर जिस बैंक का ये चेक दे रहा है यहाँ चेक नंबर डाल दिया जो भी चेक, एंड कैश बैलेंस, पैसे क्या दे रहा है, कैश, सर बैलेंस कितना बचेगा, 30 रुपए, कैश स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, कैश स्टैंडर्ड मतलब मान लो कितने का नोट दिया, कैश स्टैंडर्ड मतलब कितने का नोट, तो उसने मान लो 100 रुपए का नोट दिया तो बैलेंस कितना रिटर्न कर हो जाएगा सर, 70 रुपीज, एंटर, यहाँ देखो प्रीव्यू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप के ही आपको इनवाइस मिलते हैं मार्केट से, बस इसकी लिस्ट क्या रहती है सर, लंबी रहती है और वो छोटे से बिल में निकल, तो इन दिस वे यू कैन पास द POS, क्या करना पड़ेगा सर, वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा POS का, केवल नाम लिखने से POS नहीं बन जाएगा, ये ऑप्शन को क्या करना होगा, यस सर, आपकी सारी चीजें सेम है सर, यहाँ पे और हमने क्या किया है, ये क्या है सर, ये नहीं वहां पे जो लिखा हुआ था ना, हाँ मैसेज वन मैसेज टू, तो अगर आपको हिंदी में अगर इसको लिखना है तो कंट्रोल W करके आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, मैसेज टू प्रिंट थैंक यू इन डिफॉल्ट टाइटल इनवाइस इनवाइस, ये परचेज की तो नॉर्मल एंट्री होगी, परचेज की टेंशन की बात नहीं है, ये सेल का अगर हो रहा है तो सेल पे ओनली द स्टॉक आइटम इज एंटर, क्वांटिटी रिलेटेड अमाउंट ऑटोमेटिकली अपीयर्स, और इस तरीके से आज नगद कल उधार थैंक यू कम्स अगेन, इस तरीके से आपके बिलिंग्स में आपको देखने को अगेन ये सेल नंबर 2 हो रहा है, सेल 2 किया,
POS register कैसे जाएंगे सर? Gateway of Tally, Display More Reports, Account Books and POS register. तो POS से related सारी entry आपको देखने को, जैसे purchase register में purchase की entry दिखती है, POS register में POS. Clear है? ये आपके लिए प्यारा सा असाइनमेंट. तो थीम क्या है इस चैप्टर सा सर? कि अगर हमें मल्टीपल पेमेंट एक्सेप्ट करने पड़ते हैं तो हमारी एंट्री टीडियस ना हो जाए, कई बार एंट्री ना करना पड़े, तो हम किसका हेल्प लेंगे? पीओएस का हेल्प लेंगे. किसका हेल्प लेंगे? पीओएस का लेंगे, पॉइंट ऑफ सेल्स, राइट. और उसके लिए एक वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका वाउचर का नाम क्या डाल दीजिए, आपके ऊपर है, पीओएस सेल्स, सेल्स पीओएस, व्हाटएवर डाल दीजिए. लेकिन वहां पे यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग के ऑप्शन को क्या करना है? यस, दैट्स इट. उसके बाद आप एंट्री करिए, सारी एंट्री बन जाएगी. सिंगल पेमेंट एंड मल्टीपल मोड पेमेंट ऑप्शन आपको वर्टिकल बटन बार में देखने को, ठीक है. तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड टू चैप्टर्स.